केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली की सलोन विधानसभा क्षेत्र में एक नुक्कड़ सभा की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी का तिरस्कार करने का आरोप लगाया। ललितपुर में बीजेपी नेता राजा बुंदेला की जुबान फिसली, आजम खान पर हमला करते हुए कहा कि आजम खान की जुबान काट देनी चाहिए। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद सीएम योगी ने गुरुवार का पूरा दिन वाराणसी में बिताया। इस दौरान सीएम योगी गड़वा घाट आश्रम पहुंचे, यहां पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया। सीएम ने दिव्यांग और अनाथ बच्चों से मुलाकात भी की। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 6 उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के सामने दाखिल नहीं कर पाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे इन उम्मीदवारों को समय से न पहुंचने की बात कहकर इनका नामांकन पत्र लेने से इनकार कर दिया गया। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। ललितपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की लात घूंसी और बैट से पिटाई की, बाद में आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों से युवक को बचाया। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, इलाहाबाद सीट पर 2 और फूलपुर सीट से 6 उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। शाहजहांपुर में डीएम और एसपी ने गुरुवार को नगर विधानसभा के 2 बूथों का निरीक्षण किया, मतदाताओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। 29 अप्रैल को यहां होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए जालौन जिला प्रशासन द्वारा मतदाता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें इप्टा के रंगकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। लगातार हो रहे चुनाव बहिष्कार के मामलों में शाजापुर जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। डीएम ने कड़ी चेतावनी दी है कि चुनाव बहिष्कार के उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण में बीजेपी के सदर विधायक हरिशंकर माहौर पर लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, बीजेपी के झंडे जैसा दुपट्टा पहनने पर विवाद, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले की जांच के दिए आदेश। यूपी के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार ने लोगों से मतदान करने की अपील की, उन्होंने कहा कि आपका वोट आपकी ताकत है, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना मतदान जरूर करें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आजम खान की तुलना रावण से की, जयप्रदा पर आजम खान के बयान को लेकर साधा निशाना, चुनाव आयोग से आजम खान का नामांकन रद्द करने की मांग की। सारे मोदी को चोर कहने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कानपुर में परिवाद दर्ज किया गया, कानपुर के आत्म प्रकाश मोदी ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने 30 अप्रैल को वादी के बयान दर्ज कराने के आदेश दिए। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया, लखनऊ में पूनम सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से। देवरिया के सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा और सलेमपुर विधायक काली प्रसाद का वीडियो वायरल, वीडियो में कुछ ग्रामीण दोनों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने वीडियो की पुष्टि की। हमीरपुर में मतदान के लिए महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों की महिला कर्मचारियों को बुलाया, जिसमें महिला टीचर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। फतेहपुर में नामांकन से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेश चंद्र साहू ने अपनी जीत का दावा किया, उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी टक्कर किसी से नहीं है, वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। गोंडा से बीजेपी के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह ने एसपी बीएसपी पर जमकर निशाना साधा, एसपी बीएसपी गठबंधन को नकली अंग्रेज बताया और लोकसभा चुनाव को न्याय और धर्म की लड़ाई बताया। रामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की, साथ ही विपक्षों पर हमला भी बोला, दुष्यंत ने कहा कि मायावती ने वोट के लालच में गठबंधन किया। गाजीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत कुशवाहा ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। लखनऊ पीजीआई में भर्ती यूपी के राज्यपाल राम नाईक को पेसमेकर लगा दिया गया है, अब उनकी हालत में सुधार है, सीएम योगी ने अस्पताल में जाकर उनका हाल जाना, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में मतदान समाप्त होने के बाद चुनावी रंजिश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामची लाल के साथ अज्ञात हमलावरों ने मारपीट की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शामली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया, एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस समेत 50,000 रुपये नकदी बरामद। मुजफ्फरनगर में छात्र वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कुछ कारतूस, 2 सेंट्रो कार, 9 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की। चित्रकूट में पत्थर खदान में 2 दिन पहले मजदूर श्याम बिहारी की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही आई सामने, पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज किया FIR, आला अधिकारियों से भी परिवार वालों को नहीं मिल रही मदद। रामपुर के थानागंज इलाके के गुज्जर टोला में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई, पेशे से राजमिस्त्री का काम करने वाले मासूम अली की हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। प्रयागराज के गणेश मार्केट इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए, शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की वजह पुरानी रंजिश को बताया।
यूपीएससीएफ की गोरखपुर इकाई ने कार्रवाई करते हुए एक जहर खुरानी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह ने बीती 3 तारीख को गोरखपुर के गगहा थाना इलाके से पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी के गनर से उसकी कार्बाइन लूट ली। नोएडा में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, कई कंपनियों की 11,652 पेटी यानी करीब 1,24,000 लीटर बियर की नष्ट की गई। बियर की कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास। फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके के टोल प्लाजा के बाद 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े, टक्कर होते ही दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक सहित 3 लोग घायल। गाजीपुर में 25 दिन पहले अगवा बच्चे की बरामदगी को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दिलदार नगर में मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान वो हाथों में बेटा नहीं तो वोट नहीं स्लोगन लिखी तख्ती लेकर चल रहे थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस केवल बच्चे की बरामदगी का झूठा आश्वासन दे रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। औरैया के बरौना रामपुरा गांव में आपसी विवाद से तंग आकर एक युवक ने पत्नी और बच्चों समेत सभी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। बागेश्वर जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय पंडित बद्री दत्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इन दिनों पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। कॉलेज के अधिकांश कमरे लोकसभा चुनाव के कारण जिला प्रशासन ने ले लिए। हापुड़ में शादी का खाना खाने के बाद कई लोगों की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 100 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर। बागेश्वर में खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी, ग्रामीणों का आरोप बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को आज भी डोली में लाना पड़ता है क्योंकि कच्ची सड़क पर एम्बुलेंस का आना मुश्किल। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियम के तहत जिले की सभी संस्थाओं को सड़क निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नैनीताल में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के हजारों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, ऐसे में किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई, लिहाजा किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अल्मोड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, बारिश के चलते ठंड बढ़ने से एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। केदारनाथ में 5 से 6 फीट बर्फ जमी, कड़ाके की ठंड में हटाई जा रही बर्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, देशभक्ति कोई बीमारी नहीं, उग्र राष्ट्रवाद देशभक्ति को गाली देने के लिए कढ़ा गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा हम सुरक्षा बलों के साथ, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देश की अखंडता और गौरव को बचाने के लिए खड़े। पीएम मोदी आज कारोबारियों से करेंगे संवाद, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र में रैली, बारामती में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात और कर्नाटक के दौरे पर, तापी रायचूर और चिकोड़ी में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा दौरे पर, मयूरभंज नयागढ़ और कटक में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी की रैली, एक ही वक्त पर दोनों जनसभा को करेंगे संबोधित। दूसरे चरण में 95 सीटों पर 66% से ज्यादा मतदान, असम ओडिशा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बंपर वोट। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 45.7% वोटिंग, उधमपुर सीट पर 70% मतदान जबकि श्रीनगर में केवल 14.8% वोटिंग। श्रीनगर के कुछ पोलिंग बूथ पर पथराव, पथराव की वजह से फीका रहा मतदान, 10 पुलिस वाले घायल। श्रीनगर सीट की 90 पोलिंग बूथ पर नहीं आया एक भी वोटर जिसमें गांधरबल के 27 मतदान केंद्र शामिल। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी समर्थकों ने अपनी उंगली काट दी, गलती से बीजेपी को दे दिया था वोट। पश्चिम बंगाल के 30 पोलिंग बूथ पर सीपीएम ने फिर से वोटिंग की मांग की, मतदाताओं से मारपीट का आरोप लगा। आसनसौल से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, चुनाव के तीसरे चरण में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग। पीएम को अपशब्द कहने पर राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चुनाव आयोग ने अमेठी की प्रेस वार्ता का वीडियो मांगा। एआईएमआईएम नेता सुदीन ओवैसी ने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी एक आतंकी आरोपी को प्रत्याशी कैसे बना सकती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएगा चुनाव आयोग, तहसील पूनावाला ने चुनाव लड़ने पर रोक के लिए चुनाव आयोग से की थी मांग। आतंकी मसूद अजहर पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान का बयान, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा।
हवाई सफर के किराए पर सरकार की पैनी नजर, टिकटों की कीमत कम करने को कहा। टीम के ऐलान के बाद कोच रवि शास्त्री का बयान, जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली उनके लिए अभी भी मौका। श्रीलंका कप्तानी से हटाए गए मलिंगा, दिमुथ करुणा रत्ने को कमान सौंपी गई लेकिन श्रीलंका की वर्ल्ड कप टीम में शामिल। पाकिस्तान की विश्व कप टीम घोषित, मोहम्मद आमिर को नहीं मिली जगह। तेज भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, 6.4 की तीव्रता रही, मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई। ब्राजील में एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया, पुलिस ने हादसे के बाद का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। एक्ट्रेस दिशा पटानी का एक्शन वीडियो वायरल, दिशा के एक्शन देख टाइगर श्रॉफ भी हैरान।